संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांत सार के अध्ययन में हमने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में जाना है। आज हम स्थूल शरीर के बारे में जानेंगे और फिर दो से तीन वीडियो के बाद में वेदांत सार आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। और ये हम आशा करेंगे, अगर आपने दो एक बार अगर वीडियो को देख लिया सभी को, तो प्रश्न पत्र से बाहर नहीं जाएगा। इससे प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आते हैं इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो सीधे हम चलते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है, इसको पंचीकरण की व्यवस्था भी बोलते हैं। पंचीकरण, पंचीकरण में वेदांत में कुछ चार पांच पंक्तियां हैं और वो पंक्तियों को एक पंचदशी नाम की एक पुस्तक है उसमें बड़े अच्छे समझाया, मात्र दो पंक्तियों में पूरा स्थूल शरीर समझ में आ जाता है। तो हम उसी के माध्यम से अध्ययन करेंगे और प्रश्न पत्र में उससे बाहर प्रश्न नहीं जाते, ये भी सत्य है। तो संक्षेप विधि से अध्ययन करने से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। तो श्लोक ले लेते हैं। दुधा विधाया चैकैकम्। चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशै योजनात् पंच पंचते। इस तरह से श्लोक है, इसके माध्यम से बहुत चार्ट देने का प्रयास करूंगा। और ये आप मान के चलिए पंचीकरण में से यदि क्वेश्चन आता है तो आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर को जाना था, कारण शरीर को जाना था, अगर आपने अध्ययन ना किया होगा तो नए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर उसका अध्ययन करें और हमें बताएं कि उससे क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, तो हम उसमें कुछ और व्यवस्था देंगे और विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वैसे उम्मीद ये की है, हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि उसमें सारे प्रश्न उसमें आ जाएं। तो हम इसमें से यहां से शुरू करते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है ये। द्विधा विधाय च एकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। अर्थात यहां बोला जा रहा है जो पंचभूत थे, हमने सूक्ष्म भूतों के बारे में अध्ययन किया था, अब यहां पर हम उसका चार्ट बनाते हैं इसके अनुसार। तो ये आपको बिल्कुल बातें समझ में आ जाएंगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कितनी हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। दुधा विधाय यानी कि इनको पहले जो पंच भूत दे रखे हैं उनको पहले दो भागों में बांट दिया जाए। अर्थात जब हम इनका हिस्सा करेंगे तो एक बटे दो इस तरह से दो हिस्से हो जाएंगे। तो हम एक बटे दो यहां बाद वाले लिख लेते हैं। जैसे अगर लिखना चाहें हम एक को, यानी पृथ्वी यहां एक देख लेते हैं फिर उसके अनुसार देखेंगे। पृथ्वी है तो दुधा विधाय, तो एक बटे दो पृथ्वी धन एक बटे दो पृथ्वी, इस तरह से दो भागों में विभक्त होगी। दुधा विधाय च एकैकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः, अर्थात प्रथम भाग को, ये जो वाला भाग है इस भाग को नहीं बांटना है अब हमें, इस भाग को तो हमें ज्यों की तो यहां लिख लेना है। तो यहां पहले इसको लिख लेते हैं। तो अब हम इसी तरह से जल के भी दो भाग कर लेंगे, तेज के भी, वायु के भी, आकाश के भी, यानी एक बट्टे दो जल धन एक बट्टे दो जल, एक बट्टे दो तेज धन एक बट्टे दो तेज, इस तरह से ये एक बट्टे दो होते चले जाएंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं ज्यों की त्यों, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश,
हम एक बट्टे दो भाग इनके लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बट्टे दो भाग है इसका, इसको बस याद रखना है। अब कहते हैं वो च एकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः, अर्थात जो पहले की है, जो पंचभूतों के जो हमने दो भाग किए हैं उसको, जो पहला हिस्सा है उसको हम एक एक करके उनके फिर चार भागों में उसको बांटेंगे। तो जब एक बट्टे दो को चार भागों में यानी उसके चार हिस्से किए जाएंगे तो एक बट्टे मतलब चार हो जाएंगे इसके, एक बट्टे दो इंटू चार बराबर एक बट्टे आठ, अर्थात एक के एक बट्टे आठ, एक बट्टे आठ, एक बट्टे आठ, इस तरह से चार भाग हो जाएंगे। तो हम यदि पृथ्वी को यहां एक बट्टे आठ, एक बट्टे आठ भाग लगाएं तो आगे क्या कह रहा है, स्वेतर द्वितीयांश योजना, अपने आप को छोड़ करके, अपने अंश को छोड़ करके अन्य जो भी अंश बचते हैं द्वितीयांश से दूसरे अन्य अंशों के साथ योजन करने से यानी जोड़ने से पंच पंचते, पंच से तात्पर्य है पंचभूत, आकाश आदि जो पंचभूत हैं पंचीकृत हो जाते हैं, अर्थात उनका पंचीकरण हो जाता है। तो हम यहां एक बार फिर पृथ्वी लिख देते हैं, तो यहां पर जो हम लिखेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी छोड़ करके बाकी लिखेंगे जल, जल के बाद में फिर कौन सा आएगा, तेज, वायु, आकाश। हमको ये याद रखना है कि जो पृथ्वी है उसका आधा भाग और पहले के जो हमने चार भाग किए हैं आधे के, उनके ये चार भाग लिए जाएंगे, यहां अपने आप को छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से हम सबका समझेंगे, तो यहां पर हम एक बट्टे आठ कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि एक बट्टे आठ है इसका, ये भी एक बट्टे आठ है, ये भी एक बट्टे आठ है, ये भी एक बट्टे आठ है। इसी तरह अन्य को जानते चले, जल है तो हम इसमें फिर पृथ्वी ले लेते हैं, पृथ्वी जल है, जल को छोड़ देंगे, तेज से शुरू करेंगे, तेज, वायु, आकाश। अब हम तेज इसमें पृथ्वी पृथ्वी लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, पृथ्वी। अब इसमें जल ले सकते हैं हम, जल, तेज नहीं लेंगे इसमें क्योंकि तेज इसमें है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ऐसे ही वायु है तो ये पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश। आकाश है तो इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये हमें याद रखना है। ये सभी एक बट्टे आठ भाग हैं, ठीक है, इसको बस इस ध्यान रखना है, एक बट्टे आठ, एक बट्टे आठ, एक बट्टे आठ, इसी तरह से एक बट्टे आठ सभी में इस तरह से मानना है हमको, है ना। ये देखना है हमें, यहां एक चीज दो बार प्रयोग ना की गई हो, ये पृथ्वी और जल, तेज, वायु, आकाश, ये कैसे उत्पत्ति, जब ये स्थूल शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म भूत से जब ये स्थूल रूप में आते हैं तो ये सारे मिलकर के पृथ्वी का रूप धारण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं थोड़ा सा देखते चलें, एक बार ये देख लेंगे, पृथ्वी है इसमें दोबारा पृथ्वी तो नहीं आई है, जल है इसमें दोबारा जल तो नहीं है, तेज है इसमें दोबारा तेज तो नहीं है, पृथ्वी, वायु है इसमें वायु तो नहीं है, आकाश है इसमें आकाश तो नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में आकाश को ले लिया है तो बाद में आकाश नहीं आएगा, आधा भाग अपना रहेगा स्वयं का और बाकी एक चौथाई भाग जो है, एक बट्टे आठ भाग, एक चौथाई नहीं बोलेंगे इसको, एक बट्टे आठ भाग जो है वो अन्य तत्वों को रहेंगे, तब जाकर के एक पूर्ण तत्व बनेगा। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी को देख सकते हैं, पृथ्वी एक बट्टे दो स्वयं का भाग, एक बट्टे आठ जल, एक बट्टे आठ तेज, एक बट्टे आठ वायु, एक बट्टे आठ आकाश का भाग मिलकर के पृथ्वी का निर्माण होता है। इसी तरह से जल का निर्माण भी ऐसे होगा, जल का तो एक बट्टे दो रहेगा स्वयं का तत्व, लेकिन बाकी जितने भी तत्व वो एक बट्टे आठ भाग रहेंगे, आठवां अंश मान सकते हैं। इसी तरह से ये सभी स्थूल शरीर के रूप में निर्मित होंगे। यदि जो हमें चीज दिखाई देती है
पानी जो दिखाई देता है, तो पानी अपने आप में जल जो है वो केवल जल तत्व ही नहीं है, उसमें सभी तत्व उसमें मौजूद हैं। ये हमें बस ध्यान रखना है, उसमें सभी, जैसे जल है, जल में जल भी, पृथ्वी भी है, तेज भी है, वायु भी, आकाश भी है, उसमें सारे तत्व मौजूद हैं, इसलिए वो स्थूल शरीर में परिणत हो पाई है। अब कुछ हैं जो इस चीज को एक भ्रमात्मक तथ्य भी कह सकते हैं, अर्थात इसमें संदेह कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रमाण दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इस तरह से बहुत सारे प्रमाण हैं, उनमें से शब्द को यानी आप्तवचन को भी प्रमाण माना जाता है। तो इसके विषय में एक श्रुति है, श्रुति के बारे में है, त्रिवृत्तकरणम्, त्रिवृत्तकरण श्रुति के नाम से जानी जाती है। ये छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि अब मैं, यानी ईश्वर ने, स्वयं परमात्मा ने ये बोला है कि अब मैं इनको त्रिवृत्त करता हूं, अर्थात किसको त्रिवृत्त करता हूं, तो उसमें बोला गया है पृथ्वी, पृथ्वी, जल और तेज, इनको त्रिवृत्त करने के बारे में बोला है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ को तृतीय भागों में, मतलब तीन, जैसे रस्सी हो, रस्सी के तीन हिस्से किए जाए और उनको आपस में लपेट दिया जाए तो तीन बार लपेटा जो खाई जाएगी उसको त्रिवृत्त कहा जा सकता है, तीन बार मिला देना। तो यहां पर जो पृथ्वी की बात कही है कि प्रत्येक पदार्थ को त्रिवृत्त करता हूं, अगर तीन बार उनको मिलाता हूं, तो पृथ्वी में पृथ्वी तत्व तो है ही, जल तत्व को भी सम्मिलित किया है और तेज तत्व को भी उसने, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। ऐसे ही जल में, जल तो अपने आप में है ही, पृथ्वी को भी सम्मिलित किया है और तेज को भी इसमें सम्मिलित किया। ये त्रिवृत्तकरण के अंतर्गत आता है, त्रिवृत्तकरण, ये त्रिवृत्तकरण बहुत आता है प्रश्न पत्रों में, याद रखना कि त्रिवृत्तकरण के अंतर्गत किसको रखा गया है। तो तीन पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, इनको तत्वों को रखा गया है। और तेज में क्या आ जाएगा, पृथ्वी भी आ जाएगी और जल को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो हमें छांदोग्य उपनिषद में जो श्रुति मिली है उसके अनुसार ये सिद्ध होता है कि जब वहां श्रुति है तो वो प्रमाण हो गई इसकी, इसको सिद्ध करने के लिए। तो आप्तवचन है, इससे प्रमाणित हो जाता है कि ये जो व्यवस्था दी है वेदांत सार में वो गलत नहीं है, अर्थात इसके अनुसार सिद्ध होती है कि वो सही है। जब हम अलंकार पढ़ते हैं, अलंकार का ज्ञान करते हैं, अर्जित करते हैं, तो अर्थांतरन्यास एक अलंकार होता है, उसमें भी यही नियम होता है कि पहले की जो पंक्ति बोल दी गई है उसको दूसरी पंक्ति के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो इसी तरह से यहां जो व्यवस्था दी गई है उसको इस त्रिवृत्तकरण के द्वारा सिद्ध किया गया कि यह ठीक है, ये आप्तवचन माना जाता है, ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि जब ये स्थूल रूप में मौजूद हो जाते हैं फिर इनसे गुण इनके उत्पन्न होते हैं। अब यहां ले लेते हैं गुण को, यही आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे आकाश है, आकाश में एक तरफ से ले लो नीचे से, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ठीक है। हमने तर्क संग्रह में भी अध्ययन किया है कि जो इनके गुण होते हैं वो तर्क संग्रह में, अगर नई आपने वीडियो देखी हमारी तो उसको मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी अध्ययन करें, क्योंकि मैंने बताया है सारे दर्शन लगभग मिले जुले से ही हैं, उनका एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। आकाश का जो गुण है वो शब्द है, अर्थात शब्द की उत्पत्ति होती है आकाश से। वायु में शब्द तो होता ही होता है, जब वायु चलती है तो आवाज तो होती ही होती है, लेकिन स्पर्श भी उससे महसूस होता है, तो इसमें एक गुण बढ़ जाता है स्पर्श का। तेज में शब्द स्पर्श तो रहता ही रहता है, जब हम अग्नि के आगे आते हैं देखते हैं तो आवाज भी आती है उसमें से, और स्पर्श यानी कि गर्म महसूस भी होती है, और आंखों से उसको हम देख भी सकते हैं, आकाश को नहीं देख सकते और वायु को भी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसमें रूप भी आ जाता है, ठीक है। जल है, जल में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप तो होता ही होता है। अब इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस भी आ जाता है,
ये तीनों चीज होने पर, क्योंकि जब हम जब ग्रहण करते हैं तो रसना से जिसके स्वाद मिल जाए उसको रस बोला गया है। इसलिए मैंने आपको उसका लिंक डाल दूंगा डिस्कस पर, मैं उसको जाकर के अवश्य देख लें। मैंने तर्क संग्रह में इनको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है वहां। अब हम पृथ्वी पे चलते हैं तो पृथ्वी से जिनकी उत्पत्ति होती है, यूमानी की पृथ्वी के जो गुण होते हैं वो पांचों तत्व तो होते हैं इसमें, पांचों इसमें गुण होते हैं। शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, और रूप होता ही होता है, रस भी और गंध भी। इस तरह से ये इसमें पांचों होते हैं। तो हमें इसको याद रखना, आकाश में शब्द, वायु में शब्द स्पर्श, तेज में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इन पांचों से, इस तरह से ये गुण इनकी उत्पत्ति होती है। स्थूल शरीर है ये, स्थूल शरीर में ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म भूत में ये गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये व्यवस्था आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अब बोला गया है कि एतेभ्या योगेभ्या, यानी इनके योग से, स्थूल भूत के योग से क्या बनता है, समस्या है इसमें आने की, तो मैं यहां इनको मिटाई देता हूं, ठीक है। यहां से फिर अब आगे की व्यवस्था शुरू होती है कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे बनी, उसको थोड़ा सा देखेंगे। इसमें बोला गया एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यो, इन सभी पंचीकृत भूतों से भू भुवा स्व भूवा स्वामहा जनहा तपहा, इस तरह से कर लेते हैं इसको, भू मह जनहा तपहा सत्यम और अतल वितल सुतल रसातल तलातल तलातल और महातल पाताल। छह और सात, सात। इस तरह से यहां देखते हैं भू भुवा स्वह मह जनहा तपह सत्यम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, पाताल हो गई ये पाताल। ये ऊपर के सात, ये नीचे के सात, ऊपर के सात लोकों का और नीचे के सात लोकों का उन पंचीकृत होने के बाद पंच महाभूतों से निर्माण होता है। पाताल सातवें स्थान पर आता है, इसलिए कभी कभी मोदी जी कहते हैं कि हम सातवें पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पाताल सातवें लोक में ही है और उन्हें लगता है इस बात से कि उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है हर क्षेत्र में, तो सातवें स्थान पर पाताल है। तो नीचे के ये लोक माने जाते हैं, इन सभी का निर्माण इन सूक्ष्म भूतों से होता है। और इसमें आगे बोला गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर और बाहर जीवों का एवं अन्न आदि का भी निर्माण पंचभूतों से ही, पंचीकृत की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है।
तो अन्य शब्द जो प्रयोग किया गया है यहां पर, जो पृथ्वी हमने त्रिवृत्त कर देखा ना, त्रिवृत्त करण में हमने पृथ्वी जल तेज को जाना था, इस पृथ्वी शब्द के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर याद रखना है हमको, अन्य शब्द के लिए पृथ्वी शब्द का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर अगर कभी आ जाए कि पृथ्वी जल तेज ना करके अन्य जल तेज आ जाए, तब भी त्रिवृत्त कण को हमें याद रखना है। इस तरह से इनका निर्माण होता है सभी ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इन लोकों की सभी 7-14 लोकों की बात करी जा रही है। अंदर इनकी सभी निर्माण में उत्पन्न किससे होते हैं, पंचभूतों से उत्पन्न होते हैं, जब पंचीकरण की प्रक्रिया में पूरी हो जाती है। अब बात आती है कि इनके जो निर्माण में जो जीव उत्पन्न होते हैं या अन्न आदि जो उत्पन्न होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो यहां मात्र 4 प्रकार के ही माने गए हैं। प्रथम प्रकार में माना गया है जरायुज, दूसरे प्रकार का माना गया है अंडज, तीसरे प्रकार का माना गया है स्वेदज, चौथे प्रकार का माना गया है उद्भिज। ठीक है, ये माने गए हैं। अर्थात आप इससे देखना, अत्याधुनिक जो विज्ञान है क्या इससे परी चली गई है, इससे अंदाज लगेगा कि हमारे जो विद्वान थे उन्होंने जो व्यवस्था दी थी कि इनसे कैसे उत्पत्ति हुई है, वो क्या इनसे अलग हैं। जरायुज में बोला गया है जरायुजानी, जरायुभ्यो जातानी, जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पश्वादीनी। आ जाएगा, जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पश्वादीनी। अंडज के बारे में बोला गया है अंडजानी, अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नगादि। स्वेदज के बारे में हुआ है स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी यूकमश्कादीनी। उद्भिज के बारे में बोला गया है उद्भिज्जानी भूमिम उद्भिद्य लता वृक्षादीनी। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था दी है। जरायुजानी जरायुभ्यो जातानी मनुष्य पश्वादीनी, ऐसे ही यानी जरायु कहते हैं गर्भाशय से, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो हैं मनुष्य और पशु आदि हैं। अर्थात गर्भ से एक प्रकार के जीव का उत्पन्न होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले, स्वेद यानी कि पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज जमीन को फोड़ करके जमीन उत्पन्न होने वाले। तो ये सभी पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हैं, जीव जंतु स्थावर जंगम जितो भी जो कुछ दिखाई देता है, वो सब इन 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। अंडा से जन्म लेने वाले कहा गया पक्षी पन्नग, यानी कि नाग
कुछ तो सर्प जो होते हैं, सर्प और नाग में थोड़ा सा ही अंतर है मेरे हिसाब से तो। शेष नाग जो बोला जाता है वो अंडे से उत्पन्न होता है, इसलिए नाग बोला गया। तो यहाँ पे भी पक्षी और नाग दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो अंडे से उत्पन्न होता है। पक्षी भी अंडे से उत्पन्न होते हैं और नाग भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदे देव जातानी स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होते हैं। मच्छर आदि जुए आदि जो होते हैं वो पसीने से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज जातानी भूमि उद्भुद लता वृक्ष आदि। उद्भिज क्या है मानी पृथ्वी को फोड़ करके जो निकलते हैं वो लता वृक्ष आदि नहीं, अर्थात लता वृक्ष आदि जितने भी पौधे हैं वो पेड़ से या भूमि से उत्पन्न होते हैं। तो यह चार प्रकार के सृष्टि में चार प्रकार के व्यवस्था दी है कि जो चार प्रकार से हट करके इसमें यहाँ पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। तो पंचीकृत में जो व्यवस्था थी उनसे सात लोग और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उनसे जीव की उत्पत्ति होती है, जीव को खाने की भी पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ तीन तक तो हम देख रहे हैं कि जीव की व्यवस्था है और चौथे में जीव को खाने की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। अब इसके बाद में ये पंचीकरण की व्यवस्था बस इतनी ही है, इसमें कुछ नहीं है। एक चीज और रह जाती है इसमें, हमने जब बात करी थी स्थूल शरीर और मैं जब हमने एक चार्ट दिया था सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर में, तो उसमें समष्टि और व्यष्टि के बारे में समझाया था। तो इसमें भी समष्टि और व्यष्टि वही है, यानी समष्टि एतद उपहित चेतन ने समष्टि में वैश्वानर विराट इति च उच्यते इसमें बोला गया है। चा इच्छते जो चा शब्द जो प्रयोग किया गया वो चा से पुरुष शब्द को यहां लिया गया है, एक शब्द और बन गया है यहां। वैश्वानर और विराट के बारे में तो हमने पहले भी जाना था, और व्यष्टि के रूप में विश्व के रूप में विश्व के नाम जाना था, अर्थात इसका व्यष्टि में और समष्टि में दो रूप हो जाते हैं, दो नाम हो जाते हैं। वैश्वानर और विराट समष्टि में होता था और व्यष्टि में विश्व रूप होता था। यहां पर चा उच्चते शब्द प्रयोग करने पर अर्थात चा का जो प्रयोग किया गया वो पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो समष्टि के रूप में स्थूल शरीर में जब व्यवस्था दी जाती है, समष्टि की जो चेतन होता है जब वो स्थूल शरीर में प्रयोग किया जाता है तो समष्टि में उसका नाम एक और जुड़ जाता है, वो है पुरुष। जब हम पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा करते हैं तो हमको याद रखना चाहिए वो समष्टि रूप यही है। तो यहाँ पर चैतन्य का समष्टि रूप में तीन नाम हो जाते हैं, वैश्वानर विराट और पुरुष। तो ये पंचीकरण की व्यवस्था थी, बहुत संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा ये आपको बड़ी ही लाभकारी सिद्ध होगी, और यदि इसमें कोई भी आपको दिक्कत महसूस हो, लगे कि इसमें कुछ कमी है और इसमें कहीं कोई गलती है तो जरूर कमेंट के माध्यम बताना। आज के लिए इतना ही।